Hello, student. This is our fourth video of class 12th biology chapter principle of inheritance and variation. A student, in our last video, we have discussed about monohybrid cross, multiple alleles, codominance, and incomplete dominance. And now, in this video, we are going to study about inheritance of two genes, that is trihybrid cross, law of independent assortment, chromosomal theory of inheritance, linkage, and recombination. So, student. लेट्स विद द इनिटर्स ऑफ टू जीन डेट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस द डेफिनेशन इज अस मेड टू स्टडीटेनियस इनिटर्न ऑफ टू पेयर ऑफ मैंडलियन फैक्टर और जीन मीनस स्टूडेंट ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है यहाँ पर हम टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स लेते हैं और उनके बीच में क्रॉस कराते हैं उस फिनोमेना को हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं इस क्रॉस से हमें एक लॉ के बारे में पता चला उस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट कि यहाँ पर जो हम टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड ले रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है इनहेरिट होने के लिए यानी कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है वो इंडिपेंडेंटली किसी के साथ भी जा सकते हैं मीन्स डोमिनेंट वाला जो करेक्टर वो डोमिनट के साथ भी जा सकता है और रिसेसिव के साथ भी जा सकता है डेफिनेशन है द लॉ स्टेट डेट वेन टू पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ करेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ करेक्टर इन डाई हाइब्रिड क्रॉस टू न्यू कॉम्बिनेशन राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो आर फॉर्म ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉटमेंट ऑफ ट्रेड फॉर सीड शेप डेट इज राउंड रिंकल्ड एंड सीड कलर येलो एंड ग्रीन स्टूडेंट यहाँ जो बताया गया है बताया गया है स्टूडेंट कि हम जो टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड लेते हैं तो जो हाइब्रिड आता है उसमें जो करेक्टर इनहेरिटेड होंगे वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं फॉर एग्जाम्पल हाइब्रिड क्रॉस में टू पेयर ऑफ कंट्रास्ट ट्रेट लिए गए हैं वो है सीड कलर सीड कलर की दो फॉर्म में मिलती हैं येलो एंड ग्रीन एंड सीड शेप राउंड एंड रिंकल तो जो राउंड है वो आपका डोमिनेंट करेक्टर है और रिंकल रिसेसिव करेक्टर है सिमिलरली ऐसी जो सीड कलर है येलो कलर जो है वो डोमिनेंट है ग्रीन कलर रिसेसिव है तो जो राउंड है वो ग्रीन के साथ भी जा सकता है उसका कॉम्बिनेशन हमें मिल सकता है सिमिलरली जो रिंग है वो येलो के साथ भी जा सकता है ये कॉम्बिनेशन हमें मिल सकते हैं